सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास इतने कमेंट्स, इतने मैसेज आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर भी मुझसे मैसेज पूछा जा रहा है और यूट्यूब पर भी मुझे कमेंट किए जा रहे हैं कि भाई आप एक चीज़ बताइए कि हमारी वीडियो क्यों नहीं रैंक करती, हमारी वीडियो क्यों नहीं सर्च में आती है, हमारी वीडियो क्यों नहीं होती, आपकी वीडियो सब सर्च में आ जाती है, हमारी कोई भी, चाहे आपकी वीडियो पर 500,000 कितने भी व्यूज़ हों, नई वीडियो या पुरानी वीडियो, सारी वीडियो आपकी सर्च में आ जाती है, हमारी वीडियो नहीं आती। आप किस तरीके से वीडियो डालते हैं जो आपकी वीडियो सर्च में आ जाती है, हमारी वीडियो नहीं आती। तो आज मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ, जो कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, जिससे आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ से मिल सके। किस तरीके से मैं वीडियो डालता हूँ और मेरी वीडियो सर्च में आती है, आपकी वीडियो क्यों नहीं सर्च में आती है, आज आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियो के अपडेट आपको मिलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने एक लैपटॉप में आ गए और फिर यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मैं बनाना चाहता हूँ लाइव स्ट्रीम पर वीडियो, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से ही मेन पॉइंट शुरू होता है। अगर आपने जिस टॉपिक पर वीडियो बनानी है उस टॉपिक को पहले सर्च करिए कि उस टॉपिक सर्चेबल है या सर्च पे आता है या किस तरीके से आता है, जो इससे पहले वीडियोस आई हैं उन पर व्यूज़ कितने आए हैं, उन पर क्या आप सर्च के लिए। मान लीजिए कि आजकल सभी की एक ही प्रॉब्लम है, लाइव स्ट्रीम जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है और लाइव स्ट्रीम हमारा कंप्लीट नहीं ओपन होता तो हम लोग परेशान होते रहते हैं इधर उधर, जबकि हमको पता है यूट्यूब की एक क्राइटेरिया होती है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हमको लाइव स्ट्रीम और मेरा कम्युनिटी टैब नहीं मिलता है। तो हम लोग लाइव स्ट्रीम पर आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप देखेंगे और ये सर्चेबल टॉपिक सर्च करेंगे और वहाँ से टैग कैसे लेना और टाइटल क्या लेना और डिस्क्रिप्शन क्या डालना, सब मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा पर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा आज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे लाइव स्ट्रीम। मान लीजिए अब जो भी बंदा अपने कंप्यूटर पर या कहीं भी सर्च करेगा तो सबसे पहले अगर वो डालेगा लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम इन यूट्यूब, अब वो डालेगा लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब से, तो वो अगर इस सर्च में आ गया, देखिए अब ये सर्च में इतनी चीज़ें आ रही हैं, आपको पहला वाला ज़्यादातर दूसरा लोग सर्च कर चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद उसको सर्च होने दीजिए, क्यों मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने ये डाला लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम इन यूट्यूब, अब मेरा ही वीडियो सबसे पहले पर रैंक कर रहा है, जबकि आप देख सकते हैं मेरे व्यूज़ मतलब 6000 प्लस हैं और नीचे टेक्निकल सर के, हमारे टेक्निकल भाई के 41000 व्यूज़ हैं, तब भी हमारा वीडियो ऊपर आ रहा है और उनका वीडियो नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है ये सब कुछ दोस्तों, एल्गोरिथम का खेल है और टैग का खेल है, किस तरीके से मैंने डाला ये देख, जबकि आप सब देख सकते हैं कि मेरा लाइव स्ट्रीम का जो भी टाइटल है सेम टू सेम टेक्निकल इशारा से मिलता जुलता है, देख सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया इसमें कि जो मेरा वीडियो ऊपर आ रहा है और उनका नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ से सबसे ज़्यादा समझने वाली बात होती है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम इशू फिक्स्ड, मैंने भी वही डाला है इशू फिक्स्ड, लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग आपको अलग अलग तरीका बताते होंगे, मैं जो यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊँगा। अब देखिए उन्होंने लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम सॉल्व लिखा है, अब मैंने लिखा है, मैंने भी लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम सॉल्व लिखा, मैंने जस्ट उन्हीं का ही पूरा टाइप कॉपी करके, एक तरीके से अगर देखिए मैंने कॉपी करके ही डाल दिया है, पर मैंने कुछ अलग भी उसमें डाला है। अब यहाँ पर उन्होंने डाला है लाइव स्ट्रीम प्रॉब्लम, अब मैंने भी लाइव स्ट्रीम डाला है, यहाँ पर जो उनका मेरा देख लीजिए प्रॉब्लम मैंने कैपिटल लेटर में डाला और उनका स्मॉल लेटर में पहला पड़ा हुआ है, ठीक दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं स्मॉल में पढ़ा। फिर यहाँ पर लिखा हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व मैंने भी लिखा, देखिए मैंने यहाँ पर स्मॉल कर कैपिटल कर दिया, ये भी कैपिटल कर दिया, सब कैपिटल करें मैंने और इन्होंने सारे स्मॉल किए। तो अब जब ये सर्च होता है कुछ, क्योंकि यूट्यूब का बहुत सा पार्ट ऐसा होता है एल्गोरिथम का जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते, ना हम लोग समझ पाते हैं, तब भी हम लोग उसके हिसाब से ही काम करते हैं। तो आज मैंने भी उसी तरीके से दिमाग लगाया, उसी तरीके से अपनी वीडियोस डाली हैं, तो आज देख लीजिए मेरी वीडियो टॉप पर आ रही है और सर की वीडियो सेकेंड पर आ रही है, क्योंकि जब तक लगभग मैंने बहुत सी चीज़ें इन्हीं सर से ही सीखी, ऐसा नहीं है कि मैंने भी कुछ अपना दिमाग अलग से लगाया इस वीडियो में, अब सारी वीडियोस में लगाता हूँ तो मेरी वीडियो थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही है। अब तो इसी से ही मेरा वॉच टाइम और मेरा जो 4000 घंटे का वॉच टाइम था, 1000 सब्सक्राइबर था, वो भी कंप्लीट हुआ। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए हम ये वाली वीडियो अपनी
देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी वीडियो डालू। मैं अब आपको वही वीडियो दिखा रहा हूँ मैंने किस तरीके से उसके अंदर मीटर डाटा डाला और किस तरीके से क्या किया था। तो चलते हैं नीचे वीडियो के, थोड़ा सा इधर करते हैं और उसी वीडियो पर चलते हैं जो लाइव स्ट्रीम वाली मैंने डाली थी। अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, आप भी सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, इसी तरीके से मिलता जुलता डाटा। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले ये चीज़, फिर आपको इसके बाद का पॉइंट बता रहा हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए मैंने ये पूरा डेटा डाल दिया था, ठीक है। डेटा डालने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे भी, देखिए पूरा जो टाइटल था मैंने यहाँ पर भी एंटर कर दिया था, पूरा टाइटल जस्ट वैसे ही कॉपी कर दिया था। फिर टेक्निकल इसरार के जो टैग थे मैंने वो भी कॉपी किए थे, ठीक है, सारे टैग। अब देखिए यहाँ पर जो आपको डालना है डाल सकते हैं, वो पूरा कुछ नहीं है। देखिए ये जब आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ रैंक नहीं कर देख रहे हैं कि मैंने, देखिए ये सारे यहाँ पर हैशटैग इतने लगाए हुए हैं। आपको भी इसी तरीके से सभी वीडियो जितनी भी आप सर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक को सर्च करिए। सर्च करने पर देखिए उस तरीके से उसमें हैशटैग कौन कौन से यूज़ हुए हैं, अगर उसके ऊपर कुछ हैशटैग्स दिख रहे हैं आपको, वो हैशटैग सारे चार पाँच वीडियो को कॉपी कर लीजिए, अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी टैग्स हैं वो सारे टैग आपको यहाँ, जो भी टैग्स हैं आपको यहाँ पे लगा देने। यहाँ पे देख सारे टैग लगाने के बाद में फिर कुछ टैग्स आपको अपने बनाने हैं, वो भी टैग यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अगर आपको टैग नहीं मिल पा रहे हैं कि आप दूसरा का टैग क्या लगा हुआ है, किस तरीके से लगाया है, तो आप ट्यूब बडी डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, वहाँ से सब चेक कर सकते हैं किसका टैग कैसे। उससे ऊपर वीडियो बनाइए, आप जब वीडियो उनसे ऊपर आएगी और आप सर्च में आएगी तो आपका वीडियो वायरल होने के और व्यूज़ ज़्यादा आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी प्रोसेस अपना पूरा फुल करिए जिससे आपकी वीडियो वायरल हो सके या फिर आपकी वीडियो का अच्छे खासे वॉच टाइम आ सके और आपकी वीडियो पर ज़्यादा सब्सक्राइबर आ सके। अगर आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी वीडियो के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।